हरिद्वार जनपद में आई बाढ़ से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि आपदाग्रस्त क्षेत्रों में अधिकतर किसानों की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। जनपद हरिद्वार क्षेत्र के कृषि बहुमूल्य क्षेत्र हैं। बाढ़ के चलते किसानों की फसलों का निरीक्षण करने के लिए उत्तराखंड सरकार के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मंगलौर क्षेत्र के आपदाग्रस्त इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आपदा से पीड़ित लोगों को आश्वासन दिया है कि धामी सरकार उनके साथ है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है। किसानों की समस्याओं को जानने के लिए बाढ़ ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया जा रहा है, जिससे किसानों की हर संभव मदद की जाए। उन्होंने बताया कि हमने किसानों के 3 महीने के बिजली बिल भी माफ किए हैं। कृषि पर ऋण भी बैंकों की रिकवरी पर 3 माह के लिए रोक लगा दी है। वैसे करीब 35 से अधिक गाँव में जा चुका हूँ। 50 साल के बाद ऐसी भीषण त्रासदी यहाँ पर आई है, तो लोगों के खेत पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। कई बस्तियों में जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पानी भर गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के 3 महीने के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। जो किसानों का ऋण है उसको भी जमा करने 3 महीने के रुकने के लिए कह दिया है। परसों मैं अपने सेक्रेटरी को यहाँ पर भेज रहा हूँ, यहाँ पर बैठ के फिर सर्वे किया जाएगा। जो क्षेत्र उससे छुट गए हैं, जो सर्वे में आएंगे उनकी मदद की जाएगी। और यहाँ लोगों ने मांग की है जो कृषि ऋण है उसके ब्याज को माफ़ किया जाए, मुख्यमंत्री जी से बात करके उसके भरने का प्रयास किया जाएगा।